तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं झारखंड टीईटी 2024 के एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड टीईटी में यहाँ पे आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले दोस्तों कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आप ये देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं जो आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर यहाँ पे भर्ती निकाले गए दोस्तों। इसके पद पर यहाँ पे भर्ती निकाले गए झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन फॉर्म शुरू किया गया है। देख सकते हैं इसका आवेदन फॉर्म आपको ऑफलाइन यहाँ पे ऑनलाइन भरना होगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको 23 जुलाई 2024 से आवेदन शुरू हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं 22 अगस्त 2024 तक चलने वाली दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे आवेदन का लिंक के बारे में बताया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में अपनी जानकारी दिया गया, यहाँ पे कैटेगरी वाइज करके एप्लीकेशन फी के बारे में अपनी जानकारी दिया गया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप कौन सी कैंडिडेट है, उसके अनुसार यहाँ पे एप्लीकेशन फी लगने वाले दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी को इसमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मेंशन किया गया। उसी प्रकार से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाती है, देख सकते हैं पेपर वन के यहाँ पे बारे में जानकारी दिया गया दोस्तों। उसी प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया। उसी प्रकार से पेपर टू के बारे में अपनी जानकारी दिया गया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अनुसार इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। एज लिमिट के बारे में अपनी जानकारी दिया गया। आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरी जानकारी दिया गया दोस्तों। तो आवेदन करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल है आवेदन करना चाहते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बताएं कि किस तरह से आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। एप्लीकेशन फी वगैरह के बारे में भी जानकारी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा दोस्तों। इसी साइट के माध्यम से आप आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया, उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पूछा जा रहा है कि आप झारखंड का निवासी है तो है तो यस, नहीं सिंपली नो पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे नेम बताना होगा दोस्तों। सिंपली अपना यहाँ पे नाम लिखिए, उसके बाद यू हैव पासड JET यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो आप यस कीजिएगा तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों फॉर्म भरने के लिए, नहीं तो नो कीजिएगा तो आप एलिजिबल नहीं है, आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास झारखंड JET होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आप मेल है फीमेल है अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप झारखंड का निवासी है तो आपको यस करना होगा यहाँ पे देख सकते हैं, और नहीं तो सिंपली नो क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जनरल में काउंट किया जाएगा दोस्तों, जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। यस कीजिएगा तो आप अपने झारखंड का एक्चुअल यहाँ पे कास्ट दे पाएंगे दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड में डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। और उसके बाद सिंपली आप देख सकते हैं आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, तो सिंपली आप अपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डे मंथ ईयर यानी कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, तो सिंपली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, सिंपली यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर आप PH कैंडिडेट है तो आपको यस करना होगा दोस्तों, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद अगर आप PH सर्विस मैन है आर्मी एयरफोर्स नेवी में तो यस, नहीं तो सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अनुसार यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टीचर सेलेक्ट करना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको देख सकते हैं अंदर स्पोर्ट कोटा के यहाँ पे सदस्य क्लेम करते हैं तो यस, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस कैप्चर को फिल कर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेस खोल जाएगा दोस्तों। आईडी यहाँ पे पासपोर्ट आपके ईमेल और यहाँ पे मैसेज के माध्यम से भेज दिया जाएगा। सिंपली गो टू होम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पे लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा दोस्तों, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी और यहाँ पे पासपोर्ट डालकर सिंपली यहाँ पे लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासपोर्ट यहाँ पे मैसेज में या ईमेल में भेज दिया जाएगा दोस्तों। सिंपली लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेज का जानकारी खुल जाएगा। सिंपली रजिस्ट्रेशन में जो जानकारी भरे होंगे दोस्तों यहाँ पे शो किया जाएगा, आपको नीचे आना होगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल का इन्फॉर्मेशन देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे पेपर वन और पेपर टू का यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा पेपर वन पेपर टू। उसके बाद मैरिड स्टेटस आपको यहाँ पे बताना होगा, मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको फादर नेम डालना होगा, तो सिंपली यहाँ पे फादर नेम डालिए। फादर नेम डालने के बाद आपको उसी प्रकार से यहाँ पे मदर नेम डालना होगा, जिससे सिंपली यहाँ पे माता जी का नाम ही डालिए। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको आइडेंटिटी
यानी बॉडी में काट या तिल वगैरह मार्क का निशान है तो आपको यहाँ पे जानकारी देना होगा। नहीं मार्क है तो नो मार्क करके छोड़ सकते हैं। दो मार्क का आपको यहाँ पे जानकारी मांगा जा रहा है तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, दो मार्क के बारे में आपकी जानकारी देना होगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे एक कर कर आपको यहाँ पे जानकारी को देना होगा तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस का यहाँ पे जानकारी देना होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस का जानकारी देना होगा। तो फुल एड्रेस का यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं दोस्तों, अपने विलेज या सिटी के अनुसार जहाँ भी आप रहते हैं यहाँ पे फुल एड्रेस का जानकारी देना होगा। परमानेंट और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम बॉक्स में टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस देना होगा दोस्तों। तो एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट का आपको प्रेफरेंस देना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर फिल करके सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगले स्टेप में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने पे पेमेंट का डिटेल खुल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं 24 घंटा बाद यहाँ पेमेंट का लिंक एक्टिवेट होगा दोस्तों। तो 24 घंटा बाद आपको फिर से लॉगिन कर पेमेंट करना होगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं 24 घंटा पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं दोस्तों, आपको वीडियो आने के लिए वीडियो बना रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो 24 घंटा बाद आपका यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होगा दोस्तों पेमेंट का। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पे पेमेंट करना होगा दोस्तों। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पेमेंट का डैशबोर्ड खुल जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग माध्यम को सहारा लेकर आप पेमेंट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ नंबर वाले ऑप्शन यहाँ पे चूज करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पेमेंट के मेथड से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं GOVT गवर्नमेंट यहाँ पे दिख रहा है, इस मेथड का सेलेक्ट कर आपको पेमेंट करना होगा दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं इसी मेथड को आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए जुड़ना होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको झारखंड यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली झारखंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड सिलेक्शन यहाँ पे कमीशन आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट का डिटेल सेलेक्ट करने के लिए बोल जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं JET आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। आपको यहाँ पे JET 2024 यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर बताना होगा, जो यहाँ पे मैसेज में भेजा गया एप्लीकेशन नंबर है दोस्तों उसे बताना होगा। बताने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फैच पेमेंट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पे डिटेल फैच किया कर लिया जाएगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे जो भी जानकारी मांगा जा रहा है आपको यहाँ पे सबको एक कर कर यहाँ पे फिल करना होगा। मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे ईमेल आईडी शो किया जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कर कर यहाँ पे जानकारी फिल कर सकते हैं दोस्तों। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं फिर से जानकारी शो किया जाएगा। आपको फिर से नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा दोस्तों, नहीं तो बैक जाकर एडिट भी कर सकते हैं गलत लगता है। तो नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का डिटेल खुल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग माध्यमों का सहारा लेकर आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, जिस भी माध्यम का सहारा लेकर आप पेमेंट करना चाहते हैं आप बड़े ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। आप यहाँ से पेमेंट का यहाँ पे स्लिप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर से यहाँ पे दोबारा होम पेज पर आना होगा दोस्तों। आने के बाद फिर से यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करने के बाद आपके सामने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे साइज वगैरह मेंशन किया गया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जितने साइज में फोटो और सिग्नेचर मांगा गया है यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर आपको फोटोग्राफर और सिग्नेचर अपलोड करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फाइनली सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो चुका है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आकर आपको आई एग्री कर यहाँ पे देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनली सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाई स्टेप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आप जो पेमेंट कीजिएगा उसको पेमेंट अपडेट होने में 48 घंटा लगता है, तो यहाँ पर 48 घंटा के बाद ही आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा दोस्तों। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप दोबारा पेमेंट कर देते हैं तो आपको पेमेंट लौटाया नहीं जाएगा, इसलिए दोबारा पेमेंट नहीं कीजिएगा। 48 घंटा के बाद ही यहाँ पे पेमेंट अपडेट होता है, पेमेंट जो करते हैं उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे फाइनली सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के फॉर्म की जानकारी के साथ।